औखी आ सट जी जरनी बस गल तेरे नाल सी करनी सारा कुछ आप देखदा गो दिस इज योर 1200 आरएमएस सबवूफर एंड दिस वन इज वाली बात ही नहीं है। अगर तुम सक्सेस करते हो तो पहला कदम नू धरना पड़ता है। अभी ये थोड़ी यूं नू धर दे हाँ जी 190/25 के ट्रिपल मैग्नेट ठीक है कस्टमाइज इसकी मेरी किट है जो मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग बनवाता हूँ। आज आपको दिखाने वाला हूँ वाइड रेंज ऑफ सबवूफर्स अपने बल्क ऑडियो के जो हमारे पास अवेलेबल है। बाकी हमारे पास 30,000 से कोई भी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है म्यूजिक सेटअप के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये अपने 500 आरएमएस में लेटेस्ट आए हुए नीचे जो रखे हुए हैं डुअल वूफर्स हैं। इधर देख सकते हो भाई यहाँ पर अपने 800 आरएमएस के डुअल वूफर रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये 1000 आरएमएस की ट्यून्ड एनक्लोजर के साथ एक वूफर लगाया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देख सकते हो अपना 400 आरएमएस ये है अपना 500 आरएमएस का बहुत ही स्लीक सा बॉक्स जो आपकी भाई स्पेस भी नहीं लगा और प्रॉपर ना विद फिटिंग आपकी गाड़ी में बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी अपना 400 आरएमएस है। हाँ जी वॉइस कॉइल इसके अंदर है 3.25 इंची की और CCAW के अंदर मैंने वॉइस कॉइल बनवा रखी है। ऑल मेटल इम्पोर्ट ही होता है। हाँ भाई ये तो है। 1700 आरएमएस रेटेड है। तो भाई 1700 आरएमएस रेटेड है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। ये है तुषार। ये कौन है तू बकरा? मैं निको। ये है निखिल। मैं तो बकरा हूँ भाई। मेरे से ये पार्टी कर रहे हैं। मेरी जान खा रखी है इन्होंने। मतलब बच्चे नई गाड़ी आई है भाई की। भाई कांग्रेचुलेशन लिखो पहले मेरे को। पता ना पिट क्या हो कहीं पे। कांग्रेचुलेशन लिख दो पहले भाई निखिल भाई की गाड़ी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत स्पेशल, जैसा आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा कि आज क्या है, हमारे पास जो 1200 आरएमएस वाला वूफर था जिसको हम 4-5 महीने से यूज कर रहे थे, अब हम उसमें डालने वाले हैं अपनी उसी पेटी में। मतलब हमने एक पेटी बनवाई है, वो नहीं बताया। एनक्लोजर बनवाया, बताना निखिल कौन सा भाई। अभी दिखा दो ना बी ग्रो वाले से। तो भाई अभी हम अपनी एक लोकेशन पाए हुए हैं अपने यहीं पे गाजियाबाद में। तो वूफर उठा रहे हैं अपना बल्क ऑडियो का, बनवाया था हमने 1500 आरएमएस का वूफर। बाकी आपको हमारे पास 400 आरएमएस से लेके 2000 आरएमएस तक के सब वूफर, दो तीन तरीके की मिड रेंज आपको मिल जाएगी। 100 आरएमएस, 160 आरएमएस और अभी एक और न्यू लॉन्च होने वाली है जो कि अपनी 200 या 180 आरएमएस में रहने वाली है। सो सारे सामान आप लोगों को हमारे पास मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में क्या रहेगा, यहाँ से लेके और इंस्टॉलेशन सारी चीज आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर आप लोगों को लेके चलूंगा सीधे करोल बाग। और करोल बाग में हम क्या करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, वहाँ पे हम शूट करेंगे अपना जो नॉर्मल डेली शूट करते हैं। और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा मैंने क्या क्या स्टॉक रखा हुआ और आपको मेरे पास कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक के सेटअप्स मिल जाएंगे। ये क्या, ये तो टेक्निक होती है वो, ये मैं दिखाऊंगा बताता हूँ। ऐसी होती है। तो दोस्तों ये देख रहे हो, अरे क्या कर रहा, ये देख जैसे ऐसे दिखा दिया। ये तुम्हारा हाथ नहीं है, ये गिम्बल है। समझ गया, ऐसे पकड़। तो भाई छोटे वाले भाई का भी चैनल है तुषार ऑटोमेटिक व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब कर लेना। निखिल बढ़ाना व्लॉग्स, दो वीडियो डाली है उस पे, बाकी कर लेना आप उसको। मेरे पे दो थोड़ी गिरी है। कितने गिर डाली है मेरे पे? गिर रखी है 36 वीडियो। कितने सब्सक्राइबर है? 36 वीडियो मेरे हैं, 700 कुछ। वाओ, तो भाई देख रहे हैं 700 सब्सक्राइबर और थोड़े दिनों में इंटरनेशनल आएंगे व्लॉग। ये डबल 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 पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा ही पैसा। मिनट्स के शॉर्ट्स तो चलते हैं। क्या हो गया? खूब चलते हैं भाई। अब तो पेच कस में जिंदगी बीत रही है। दिखा दें सुबह आरती किसके? दिखा दें, सस्पेंस मत बनाओ इतना। तो भाई ये रहा। तो भाई देखो ये है अपना, बताओ आप ही बताओ। 1700 आरएमएस रेटेड है। तो भाई 1700 आरएमएस रेटेड है। वैसे इसको हम अभी फिलहाल बोल के कितना चल रहे हैं? हम तो ये कहेंगे इसे आप 1600 आरएमएस क्लीन चलाओ। क्लीन का मतलब कोई अच्छे एम्पलीफायर, अच्छे एम्पलीफायर पे। अगर नहीं चला, नहीं है अच्छे एम्पलीफायर, नहीं ले सकते हैं जी, तो मिनिमम आप 1500 आरएमएस का कोई मोनो लगाओ 1 ओम पे जी, कुछ अच्छे से सेटिंग कर लो जिससे क्लीन मिल जाए, चाहे 1200 क्लीन मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सिचुएशन में ना चले बिल्कुल। अब एक चीज और बताओ भाई साहब, ये क्या चीज है इस पे? इस पे हम ना स्केट थिंबल्स कहां चले गए? थिम्बल जैसे अभी तो लगा देंगे, पर मिनिमम ब्रेकिंग के बाद जब हम इसे पीक पावर पे चलाएंगे तो वो हीट होएगा। अच्छा, तो उससे क्या एम्पे और बूफर में दिक्कत आएगी। तो भाई ये देख सकते हो डायरेक्ट वायर निकलती है। तो ये बड़े जितने बूफर रहते हैं अपने बड़ी बड़ी कंपनी के, ये भी बिना थिम्बल के आते हैं?
अच्छा वो थिम्बल अलग होता है, जो थिम्बल लग सकती है ना वो ज्यादा 1200-1300 कर लेते हैं, ठीक है, उससे फिर हम लीड बार निकालते हैं। अब मैग्नेट का ग्रेड और बता दो, यही नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, Y35 बता के बैठेंगे भाई। मैग्नेट का ग्रेड है अपना Y35 और वॉइस कॉइल 90-25 की ट्रिपल मैग्नेट है, तो भाई 190-25 की ट्रिपल मैग्नेट, ट्रिपल मैग्नेट है ये। पता मैं डिटेल बता दूं, कोई बताता नहीं है वीडियोस के अंदर, बट मुझे अच्छा लगता है बताना, है ना, हम बताते हैं ना। हाँ जी 190-25 की ट्रिपल मैग्नेट, ठीक है, कस्टमाइज इसकी मेरी किट है जो मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग बनवाता हूं। हाँ जी, वॉइस कॉइल इसके अंदर है 3.25 इंची की और CCAW के अंदर मैंने वॉइस कॉइल बनवा रखी है, ऑल मेटल इंपोर्टिंग होता है। हाँ भाई ये तो है, मैं कहता हूँ मेरा ऑल मेटल इंपोर्टिंग होता है, मेरा मटेरियल आने वाले अभी बहुत कुछ लॉन्च करने वाला हूँ जी, मैं थोड़ा रुक रुक के आएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, अच्छी चीज है, जानता है ना, उन्हें पता है कि 45 दिन बाद शिपिंग उतरती है। हाँ भाई ये तो है, तो 45 दिन तो माल आने में, फिर उसको टेस्ट करने में, फिर आप सबको दिखाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक मुश्किल से 10-15 दिन में एक TI बास्केट के अंदर कुछ नया आने वाला है, कुछ नया उसके बाद में बताएंगे, बिल्कुल। तो भाई एक थंबनेल ले लेते हैं आप लोग, कुछ थंबनेल जो देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा भाई, ये रहा अपना छोटा सा, यार ये छोटा लग रहा है बहुत, है ना, बहुत मैग्नेटिक, इतनी छोटी लग रही है उससे, ये वूफर है, मैं तो इसे मिड समझ रहा था अभी, अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सो भाई देखो इस वाले में आपको प्रॉपर ऐसे ना टर्मिनल देखने के लिए मिलेंगे, और भाई वायर बताओ, वायर कैसा लगा रखा है मैंने, बिजली का ही कहता है, बिजली का ही कहता है पूरा, हम तो बिजली का नहीं लगाते हैं, चलो छोड़ो ऐसी वायर पे चलते चलो भाई वो तो ऐसी मजाक वाली बात है, तो मजाक चलता रहता है भाइयों के साथ। अब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे पेटी में चारों तरफ को आए, क्योंकि पता है ये पहले बनाई थी उसने TI बास्केट के हिसाब से, और इस वाली बास्केट को क्या बोलते हैं, लोटस, इसे लोटस, लोटस बास्केट। तो तुषार वो वाला वूफर उठा, हाँ दोनों वूफर दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाता हूँ, और एक इंस्टाग्राम पे ना आपको शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा दोनों वूफर। भाई क्या हो रहा है, किसी ने ऊपर से माल फेंक दे, रोहित भाई माल फेंका किसी ने, आवाज आई है माल इट बी स्टोर से दैट, निक्को निकालो भाई दोनों को। तो भाई बाकी माल पता है हर वक्त गाड़ी में चुपक गया, भाई भाई चलो भाई है तो भाई पूरा भाई देखना, साइड में रखो कंपैरिजन। सो भाई वो एक बार दिखाता हूँ कंपैरिजन, ऋषभ भाई अच्छे से दिखा लो, ये देखो भाई, ये देखो दिस इज योर 1200 RMS सबवूफर एंड दिस वन इज 1500 RMS, जिसकी पीक पावर है अपनी 1700 RMS एंड इसकी पीक पावर है अपनी 1200-1300 तक। सो अभी भी सही बताऊँ ना, ब्रेकिंग बताऊँ तो रोहित भाई बताना मैं ब्रेकिंग कितनी देर में कर देता हूँ किसी वूफर की, एक दिन में पूरी, ये ना इसको पता एक दिन में हो तो जाती है, बट तमीज से अगर करो ना तो वो एक बात अलग है, क्योंकि रोहित भाई को मेरा टेस्ट पता है। यहाँ पे हमारे चौधरी साहब थंबनेल ले, आओ ना तो साथ ही लेते हैं। तो ये देखो भाई थंबनेल का प्रोसेस चल रहा है, सो अब मैं आप लोगों को ना एक इंस्टाग्राम की रील शूट कर लूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अपने पहले वाले जो वूफर था वो निकाल दिया है मैंने, आपको कंपैरिजन भी बता दिया। अब इस वाले वूफर के जो वायर्स लगा रहे हैं इसमें टर्मिनल्स भी बहुत जल्दी आप जो भी आप लोगों को मिलेगा इस पॉसिबल टर्मिनल्स लगा के दे देंगे, बट अभी क्या था, क्या दिक्कत आई थी, अभी अवेलेबल नहीं हुआ था, क्या हुआ था, जब भी हम ज्यादा रेंज जाएंगे ना RMS के अंदर तो हमें डायरेक्ट वायर ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट वायर, ठीक है ठीक है। तो भाई इस चीज का यार रोहित भाई कितने दिन से इंतजार था यार, अब जाके पूरी हो गई है देखो। तो बाकी भाई अभी ना दुकान पे भी जाके आपको ना सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसका भी रिस्पांस दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप इसी में दिखाओ, इसी में दिखाएंगे, चलो भाई मतलब ज्यादा क्या वेट करना, हाँ अपने भाइयों को कोई वेट नहीं कराएंगे, इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। 3-2-1 जय श्री श्याम बाबा की। तो भैया हमारे बाबा के नाम से आज ये वाला वूफर भी हमारी गाड़ी में डल गया, बट यार ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ऐ अच्छा नहीं लग रहा, नजर लग जाती है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये अरे वो वाली बात नहीं है, अगर तुम सक्सेस करते हो तो पहला कदम नू धरना पड़ता है, अभी ये थोड़ी यूं नू धर दे नीचे से फट जाए चलो भाई पैकर से बाहर हो जाएंगे, चलो एक बार भाई पहले वूफर अच्छे से मैं ना कसवा दूं, हमारा भाई मेहनत कर रहा है बहुत देर, मैं करता नहीं अपनी गाड़ी में, नहीं करता, नहीं नहीं करते भाई, आज तक हाथ नहीं लगाया, पर मैं करवा देता हूं भाई तुम्हारी गाड़ी में, देखो तुम्हारी गाड़ी के लिए कहां का गए हम, मुझे याद है वो वाले दिन, इसलिए तो ऋषभ भाई ओफो यहाँ व्लॉगिंग करवा रही हूँ मैं भाइयों, हमारी वो वाली मशीन तो हो गई है अभी खराब, कौन सी मशीन है, चार्जर खराब हो गया जो अपनी सही क्या रहता है हमारा वायरलेस, फालतू बोल रहा है मार लगाओ, सही क्या रहता है फालतू बोल रहा है,
और भाई हमारे हाथ देखना, तू दिखा तेरे भी हाथ में हुआ ना लो, तुम दिखाओ अपने हाथ। मैं तो हाथ में गांठ पड़ रही है। ओ एक पेज का सा नहीं है, आधा दिखा ना। अरे हाथ में तो गांठ ही पड़ रही है भाई। देखो ये तो मेरे में भी पड़ रही है, ये देखो जिम का ही सब सिस्टम, बट यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत हो रही है। जिम क्या ऐसे वेट उठाना, यहाँ क्या यूं फोरआर्म्स करना। फोरआर्म्स ही मैं सबसे कम ट्रेन करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा फोरआर्म्स। क्यों? मेरे को अच्छा लगता है, मजा आता है। थूत 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 पर गुस्सा मारा फाड़ दो। फाइनली जो अपना वूफर है वो हो चुका है इंस्टॉल्ड यहाँ पर। तुषार एक बार बूट उठाइयो, खोल दूं भाई, खोल दूं। अरे भाई इससे कैसे खोलेगा। तो भाई अभी ना थोड़ी सी डिग्गी लग गई थी पीछे से, पूरी गाड़ी करवाई थी मैंने। सो एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ मैं प्रॉपर। तो भाई ये है अपना वूफर जो आप लोगों को अभी पूरी इंस्टॉलेशन दिखाई थी, है ना, बहुत मेहनत लग गई हमें। तुषार गाना रोक दियो। तो भाई गाना हमने यहाँ पर रोक दिया है, अब आप लोगों को थोड़ी सी परफॉर्मेंस चेक कराते हैं। अभी तो भाई ब्रेकिंग होने में कितना लग जाएंगे, 3-4 दिन। वैसे मैं तो 2 दिन में ही कर देता हूँ, इतना बजाता हूँ, कम से कम 3-4 घंटे रोज बजेगा, ज़्यादा ही बज जाता है ना, है ना, मेरा तो ज़्यादा ही बजता है भाई, गाड़ी चलती रहती है इतनी पूरे दिन। तो अब आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर, और अंदर एक बार परफॉर्मेंस चेक कराते हैं। बाकी भाई थोड़ा सा इसलिए इधर खड़े हैं, सामने बिल्कुल अगर नज़र मारोगे ना वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा जो है देखना पड़ता है। लाओ तो लाओ भाई, इन्हें रख दूँ अंदर। तो अब आप लोगों को ना एक बार प्रॉपर इसकी जो कैसी रिस्पॉन्स आ रही है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सो चलो हाँ ओपन में दिखाते हैं एक बार। और अब आप लोगों को डोर्स बंद करके फिर सुनाता हूँ एक बार। Say we back.